Thanks for watching Saw News. If you like my channel, please click the subscribe button. Press the bell icon for no. नीचे से राउंड दो, नीचे से राउंड दो, राउंड एक लास्ट लास्ट हां गो गो वेरी गुड फाइन ओके विल डू द बाइट हां चल राइट आई हर्ड बिग बॉस वही बट टाइम अंजलि मैम विजुअल्स पे क्या कहना चाहेंगे आप आज के लिए आज के शाम के लिए कितना एंजॉय करके आए अंदर बहुत एंजॉय करके आई और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो भी बिहाइंड द कैमरा है और जो भी हमारे डायरेक्टर है आर्ट टीम है और जो भी सारा वर्क एंड ऑल करते हैं सेटिंग दादा सब कुछ और तो मुझे अच्छा लगा उन सबको अवार्ड मिल रहा है तो बहुत कम अवार्ड शो होते हैं ऐसे जिनमें उनको मिलता है जैसे हमारी शो की सिंगर है राशि दीदी और जो मोद बैग ले गाते हैं राशि दीदी तो मेरे लिए गाती है नक्श नक्श भैया अच्छा अच्छा सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है सेट पे आपको सभी एक जितना हेल्प करते हैं जो हमारे डायरेक्टर सर है वो बहुत सपोर्ट करते हैं सब सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत एक्टर्स भी हैं फाइनली फैंस को कुछ विश देना चाहेंगे आप क्या बोलना चाहेंगे फैंस के हैप्पी दिवाली और दिवाली की ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको कपड़े दीजिए और गिफ्ट्स दीजिए मिठाई दीजिए तो वो भी अपनी दिवाली अच्छे से मनाएं थैंक यू कहना चाहेंगे आज के अवार्ड शो के बारे में सबसे मुझे बहुत बहुत खुशी है कि ये हो रहा है क्योंकि मुझे ऑनेस्टली जब मैं सेट पर भी रहती हूँ मैं एक्टर से ज़्यादा टेक्नीशियन से बात करती हूँ आई एम मोर फ्रेंडली विद देम बिकॉज वी आर देयर टू वर्क एंड यू नो लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट ईच अदर्स वर्क आई लव टू सी हाउ एवरीबडी वर्क सो हार्ड 24/7 और उन्हें कभी वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती एंड आई एम सो ग्लैड कि यहाँ मिल रही है तो एंड आई मेड श्योर कि मैं स्टार्टिंग में आऊँ एंड तक रुकूँ जस्ट टू शो दैट सपोर्ट दैट यू नो इट्स नॉट ऑल अबाउट द फेस मींस घर से बोल समझ के आए थे कि पूरा देखना है जी एंड नकल्स होस्टिंग एंड जानकी दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड आई वांट टू बी देयर जस्ट टू शो सपोर्ट दैट यू नो मोर एक्टर्स कम आउट एंड यू नो सपोर्ट द टेक्नीशियंस बिकॉज़ उनके बिना नथिंग आपका कौन फेवरेट टेक्नीशियन है मेरे अरे बहुत सारे हैं यार बहुत सारे लाइक I will be biased and say my director is my favorite person on set. He is so good. He is like this 8 साल का बच्चा जो इतना excited है. His name is Pradeep Yadav. उनके बिना ये show, he puts the feel and the soul into the show. उनके बिना ये show मैं कर ही नहीं पाऊँगी. Like it's so good. The vibe that he has, the way he lets us perform. Then our DOPs are so good. Our lightmen, our art directors, our setting dadas, people who clean our sets also. I know their names also. Everybody is so important. And sound recorders, Raghu ji, everyone. You know, it's बहुत सारी चीजों से एक show बनता है जो हम देखते हैं. हम सिर्फ 5 लोगों को देखते हैं screen पे गिनचुन के. Actually 100 लोगों का काम होता है उन 5 को वैसे दिखाना. So it's very important कि शो को भी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है आप लोग दोनों को भी देखा जाए तो फिर आकृति आपको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बहुत बहुत खुशी है कि एक बहुत डिफरेंट सा शो है रिकॉग्निशन अप्रिसिएशन मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज नॉट एक्सेप्टेड इनटू द इंडस्ट्री एंड आई थॉट दैट वुड नेवर बी एक्सेप्टेड इनटू एनी इंडस्ट्री लाइक दैट which has glamour attached to it or being famous attached to it so it's really nice to see that this such a different show is doing so well and because we know the jo sachai aur jo pyar ke sath hum roz wo kaam karne jaate hain wo jo appreciate hoti hai tab bahut mazaa kitna ye milta hai dekha jaye to sauna milti hai appreciation ke baad mein show karne ke jo fans ka jo reactions rehta hai kitna important bahut 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 zyada khushi milti hai And even if your show is not, even if it's one person that you're touching and one person watching it, if one person's interested in watching it, then I think that's the appreciation you need. Because if it's like people tell me, why don't you lose weight? I say, even if I'm giving inspiration to one girl in the morning to get up from bed and feel good about herself, I don't want to do it. It's fine.
बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है ईशा का? बिग बॉस तो एवरी बिग बॉस का है, बिग बॉस टॉप 3 में किसके चांसेस लग रहे हैं आपको? आई वांट अनूप जी टू विन, ओके हैंड्स डाउन अनूप जी, केवी एंड दीपक। अनूप जी विन आपने बताया, कोई खास वजह? अरे ही इज वंडरफुल यार, ही इज सो एक्सपीरियंस्ड एंड ही इज गिविंग इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल एंड ही इज जस्ट अ कूल गाय, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू Our society is very judgmental. Yeah. They just see someone, they judge first and then they think later. They don't even think. लेकिन उनके बाहर आने के बाद भी controversies हो सकती है। Controversy तो show के around हमेशा ही रहती है। वो अंदर गए हैं controversy की वजह से। Controversy साथ लेके गए हैं अपने साथ and that's what happens in the show. It's fine, but it's just such a nice and sporty way to come in into the world and show everybody this is me, this is what I do. किस तरह का माहौल सेट पे चल रहा है? दिवाली आने वाली है, क्रैकर्स क्या? देखो हमारे सेट पे तो माहौल हमेशा वो दो बच्चों की वजह से बहुत खुश रहता है, दैट्स सो गुड, नोबडी फाइट्स, देयर आर नो फाइट्स, देयर इज नेवर अ डल डे, देयर इज नथिंग एवर सीरियस हैपनिंग, बिकॉज दो बच्चे हमेशा साथ में रहते हैं बच्चों में। आई वाज ऑनली वेरी स्कैर्ड कि कैसे होगा शूटिंग बच्चों के साथ, इतना डिफिकल्ट होगा, बच्चे रोएंगे, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। आप किड्स आर सो कूल एंड टच वुड, थैंक गॉड हमें ये दो बच्चे मिले, टच वुड हमें ये दो बच्चे मिले, बिकॉज दे आर सुपर कूल एंड आई लव देम। फाइनली दिवाली के विश विश मेरी तरफ से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, प्लीज डोंट बर्स वेरी क्लाउड क्रैकर्स, कॉज पोल्यूशन एंड कॉज डिस्टर्बेंस टू ऑल पीपल, डॉग्स एंड या लाइक आई सेड, डोंट बर्स पटाकास, बी अ पटाका दिस दिवाली।